वेल गाइस, क्या आप बता सकते हैं कि इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा सुनकर समझकर बोलना, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है गाइस जिसे आप सुनकर समझकर बोल ना सकें। गाइस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपने हिंदी कैसे सीखा था? हिंदी आप ग्रामर पढ़कर, टेंसेस पढ़कर सीखे थे? नहीं ना, आपने हिंदी सुनकर समझकर और बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इंग्लिश में ऐसा क्या है? सेम रूल आप अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश में। आप इंग्लिश को देखकर, सुनकर, समझकर और बोल सकते हैं। गाइस, इंग्लिश सीखने का सिर्फ दो ही तरीका होता है। पहला तरीका ये है कि आप पहले टेंसेस पर हो, ग्रामर रूल्स पर हो, एवरीथिंग, वोकेबुलरी एंड ऑल सब पर हो, उसके बाद इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे। उसमें बहुत टाइम लगता है और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि ग्रामर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, फिर वो क्विट कर देते हैं और फिर वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दूसरा मेथड सीखो, मतलब दूसरा तरीका अपनाओ। दूसरा तरीका ये है कि आप ढेर सारा डेली यूज सेंटेंसेस याद कर लो ताकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो। तो गाइज, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 101 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। गाइस, ये सेंटेंस काफ़ी छोटे छोटे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है डेली यूज़ के लिए। आप यही सेंटेंस डेली लाइफ में बोलते हैं, तो अगर आप इन्हें इंग्लिश में जान जाएंगे तो आपको स्पोकन इंग्लिश काफ़ी आसान हो जाएगी, है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस। तो आपको सिर्फ करना ये है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है और सेंटेंसेस जो मैं बोलता जाऊंगा आपको सिर्फ रिपीट करना है ना, और उसको याद कर लेना है। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है गाइस, उसे क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू हर? व्हाट हैपेंड टू हर? तुमने कुछ बोला क्या? डिड यू से समथिंग? डिड यू से समथिंग? नहीं, मैं कुछ नहीं बोला। No, I didn't say anything. तो वो उदास क्यों है? Then why is she upset? जाओ जाकर पूछ लो। Go and ask her. रुको, पूछ कर बताता हूँ। Wait, I tell you after asking. क्या बोलना है? What do you want to say? जल्दी बोलो। टेल मी क्विकली। ज़्यादा मत बोलो। डोंट स्पीक टू मच। मैं सब जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग। उसे सर मत चढ़ाओ। डोंट पैम्पर हिम। वो बिगड़ रहा है। He is getting spoiled. और तो और, and what's more, वो पढ़ाई भी नहीं करता है। He doesn't even study. आपने मुझे बुलाया? Did you call me? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। No, I didn't. कितने कंजूस हो आप? हाउ माइजर यू आर। एक तरह से, इन अ वे, आप भी सही हो। यू आर ऑल्सो राइट। कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, वो भी सही हैं। He is also right. बस कर पगले। That's enough, dear. रुलाएगा क्या? Will you make me cry? मैं तुम्हें वचन देता हूँ। I pledge you. चाहे जो हो। No matter what. मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू।
वो मेरा वाला है, डैट वन इज माइन। तुम्हारा वाला ये है, दिस वन इज योर्स। एक पेन देना, गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। मुझे कुछ लिखना है, आई हैव टू राइट समथिंग। लाल या काला, रेड और ब्लैक, कोई सा भी चलेगा, आइदर विल डू, आइदर विल डू। मुझे शायद जाना होगा, आई मे हैव गॉट टू गो। जीते रहो बेटा, मे यू लिव लॉन्ग माई सन। 2 दिन हो गए हैं, इट्स बीन 2 डेज। और वो अभी तक घर नहीं आया, एंड ही हैजेंट कम होम यट। यह कितने का है, वट इज द कॉस्ट ऑफ इट? 5 रुपए का होगा, इट वुड बी फॉर 5 रुपीज। बुराई मत करो, डोंट क्रिटिसाइज। उसके बाल मत खींचो, डोंट पुल हर हेयर। उससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम हिम। दाल चुन लो, हैंड पिक द पल्स। सब कहाँ हैं, वेयर आर ऑल? जाकर पता लगाओ, गो एंड फाइंड आउट, गो एंड फाइंड आउट। कहीं और जाओ, गो समवेयर एल्स। बात को समझो, अंडरस्टैंड द थिंग। मुझे नहीं समझना, आई डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। गुस्सा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू गेटिंग एंग्री? मुझे परवाह नहीं, आई डोंट गिव अ डैम। गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स हैपन। कुछ भी रातों रात नहीं होता, नथिंग हैपेंस ओवरनाइट। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? मैं मेहनत नहीं करता हूं, डोंट आई वर्क हार्ड? इसमें समझना क्या है, व्हाट्स देयर टू अंडरस्टैंड? अच्छा है ना, इट इज गुड, इजंट इट? क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग? ना का मतलब ना, नो मीन्स नो। समझ नहीं आता, डोंट यू अंडरस्टैंड? बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब और क्या, व्हाट एल्स नाउ? मुझे दिलासा मत दो, डोंट कंसोल मी। ऐसा मत बोलो, डोंट से दिस। तो क्या बोलूं, देन व्हाट शुड आई से? इस बारे में सोचना, थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट। पापा के पैर दबा दो, प्रेस डैड्स लेग्स। मैंने उसे जुबान दी है, सी हैज़ माई वर्ड्स, सी हैज़ माई वर्ड्स। तो यही थे गाइस आज के कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप ऐसे ही शानदार वीडियो को देखते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।